इस क्लिप के माध्यम से आपको प्रकाश के अपवर्तन अर्थात रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में कुछ जानकारी देना चाह रहा हूं। किस तरह से प्रकाश में अपवर्तन की घटना होती है, इसके अंतर्गत मैंने कुछ डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो किस तरह से अपने मार्ग से विचलित हो जाता है और अपवर्तन की घटना घटित हो जाती है। विश्वास है कि इस डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से आप प्रकाश के अपवर्तन की घटना को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। प्रकाश के अपवर्तन की घटना को दिखाने के लिए यह हमें कुछ दो माध्यमों की आवश्यकता होती है, उसको मैंने डायग्राम में लेने का प्रयास किया है। देखिए, हमारे पास दो माध्यम हैं, एक विरल और एक सघन माध्यम। एक नॉर्मल ड्रॉ किया है हमने एनओ एनडेश, जिसको हम कह रहे हैं अभिलंब या नॉर्मल। एक प्रकाश की किरण पीओ आपतित होती है विरल माध्यम से और ये सघन माध्यम में चली जाएगी। जब अपवर्तन नहीं होता है तो इसकी दिशा होती है ओपी डैश, लेकिन जैसे ही वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश अपवर्तित हो गया, यानी कि ये अभिलंब की ओर झुक गया और ये चला जाता है ओक्यू दिशा में। पीओ जो प्रकाश की किरण आई थी उसे हमने कहा आपतित किरण, ओक्यू जो अपवर्तित हो गई उसे हमने कहा अपवर्तित किरण। यहां आपतित किरण अभिलंब के साथ एक एंगल बना रही है जिसको कहा है हमने पीओएन, ये आई से प्रदर्शित होता है और इसे हम कहते हैं आपतन कोण। ठीक इसी तरह से अपवर्तित किरण ओक्यू भी अभिलंब के साथ एक कोण बनाती है जो कहलाता है क्यूओ एन डैश, इसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं और ये कहलाता है अपवर्तन कोण। इस पूरे फिगर में हमारे सामने जो एक चीज आ रही वो ये कि यहां देखिए आपतन कोण का मान ज्यादा है और अपवर्तन कोण का मान कम है, हम कह सकते हैं आई इज ग्रेटर देन आर। अब आई इज ग्रेटर देन आर कब होगा हमारे पास, हमारे सामने है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। ये एक पहला पॉइंट है, एक पहला व्यू है कि जब विरल से सघन में प्रकाश जाता है तो क्या स्थिति होती है। आइए अगले फिगर में हम देखते हैं कि एक प्रकाश के फिर से दो माध्यम है हमारे पास, सघन और विरल, और प्रकाश की किरण आपतित होगी। अब यह सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी, ये आपकी पीओपी डैश सीधी रेखा है, आपतित किरण, ये हो गई अपवर्तित किरण। अब यहां हम अगर देखें तो यहां पर ये अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हो गई, आपतन कोण फिर बना है पीओएन, आई से रिप्रेजेंट होगा आपतन कोण कहलाता है, क्यू ओ एन डैश अपवर्तन का कोण है, आर से रिप्रेजेंट होगा अपवर्तन कोण कहलाएगा। अब यहां जो हमारे सामने स्थिति आ रही वो ये कि यहां आई इज स्मॉलर देन आर, यानी आपतन कोण से अपवर्तन कोण का मान ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, तो उसका रीजन हमारे सामने यह है कि जब हम प्रकाश सरल सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब से दूर हट जाता है। ये दोनों व्यू मैंने यहां दिखाने का प्रयास किया है कि किस तरह से प्रकाश अभिलंब की ओर झुकता है और कब प्रकाश अभिलंब से दूर हटता है। माध्यमों के बारे में कि सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या है, दोनों माध्यम के जो पैर हम लेते हैं सघन और विरल, उसमें से सघन किसे कहा जाता है और विरल किसे कहा जाता है, इसके बारे में समझाया है कि दोनों माध्यम के जोड़ों में से जिस माध्यम का घनत्व ज्यादा होता है वह सघन और जिसका घनत्व कम होता है वह विरल माध्यम कहलाता है। हम इसके लिए एक एग्जांपल भी लेते हैं कि यदि मान लें हमारे पास दो माध्यम है, एक पानी और एक हवा, तो पानी का घनत्व हवा से ज्यादा होता है, इसलिए पानी को यहां सघन माध्यम माना जा रहा है और हवा को विरल माध्यम। इसी प्रकार यदि हम दो माध्यमों में एक पानी और दूसरा कांच ले लें तो यहां पर पानी का घनत्व कांच से कम है, इसलिए यहां पानी तो विरल माध्यम हो जाएगा और
कांच सघन माध्यम हो जाएगा। तो इस एग्जाम्पल में देखिए आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि पानी एक बार सघन है और पानी एक बार विरल है। इसका तात्पर्य यहां यह होता है कि माध्यम के जो पैर हम ले रहे हैं, माध्यम का जो जोड़ा हम ले रहे हैं, इसमें जिसका घनत्व ज्यादा है वो विरल, वो सघन माध्यम कहलाएगा, और जिसका घनत्व कम है वो विरल माध्यम कहलाएगा। देखिए हम प्रकाश के अपवर्तन की डेफिनेशन पर बात करते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, उस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अर्थात जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। देखिए इस पिक्चर में हमारे सामने बिल्कुल क्लियर है कि जब प्रकाश सघन से विरल में प्रवेश करता है तो आई छोटा होता है, आर बड़ा होता है, यानी आपतन कोण कम है, अपवर्तन कोण का मान ज्यादा है। और अपवर्तन कोण का मान ज्यादा होना इस चीज को प्रदर्शित कर रहा है कि यहां प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस फिगर में देखिए आप, जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है तो यहां आई ज्यादा है और आर कम है, अर्थात यहां पर आपतन कोण का मान ज्यादा है, अपवर्तन कोण का मान कम है, यानी यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये दोनों ही घटनाएं प्रकाश के अपवर्तन के अंतर्गत है। जब प्रकाश सघन से विरल में आता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है, और जब विरल से सघन में आता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। की जो नियम हमारे पास हैं, उन नियमों पर हम बात करते हैं। सबसे पहला नियम है प्रकाश का स्नेल का नियम कहलाता है। स्नेल के नियम के आधार पर हम कहते हैं कि आपतन कोण के साइन यानी कि ज्या और अपवर्तन कोण की साइन का अनुपात सदैव नियत रहता है, अर्थात म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। यहां म्यू एक नियतांक है जिसे हम माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं या रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। सेकेंड लॉ हमारे पास कहलाता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। इस प्रकार से ये हमारे पास अपवर्तन के दो नियम होते हैं, बिल्कुल सरल नियम है।